तो देह अहंकार जो मिक्स होता है वो भी सबके अंदर एक जैसा मिक्स होता होगा या नंबरवार मिक्स होता होगा? एक जैसा नहीं हो सकता। जब अखूट ज्ञान का भंडार शिव ज्योति बिंदु इस सृष्टि पर आता है तो जिसमें प्रवेश करता है वो जितना उसे स्मृति से याद करेगा उसके साथ तो है ही है। क्या स्मृति के आधार पर सदा सन्मुख हुआ ना, बाकी आत्माएं तो नंबरवार हो जाती है। इसलिए जो आत्मा स्मृति के आधार पर सबसे जास्ती संग का रंग लेती है तो ज्ञान भी उसमें सबसे जास्ती आ जाता है। जैसा संग वैसा रंग। तो कोई आत्माएं जल्दी आ जाती हैं, क्या कोई देर में आती है, और कोई देर में भी आती हैं तो भी लास्ट में आने पर बड़ी फास्ट चली जाती है, क्योंकि उनके जो पूर्व जन्मों का हिसाब किताब है ना वो पवित्र रहा है। माना उन्होंने सुप्रीम सोल जैसी पवित्रता धारण की है। क्या एक में आस्था, जिसे सुप्रीम सोल आता है ना तो उसकी आस्था मुकर्र रूप से एक में है या अनेक में? एक में है। ऐसे ही कोई कोई आत्मा ऐसी भी हैं जो सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट तो बजाती हैं, जन्म जन्मांतर अलग अलग चोले धारण करके पार्ट बजाती हैं, लेकिन कोई आत्माएं अनेकों का संग लेती हैं जन्म जन्मांतर, और कोई आत्मा ऐसी भी है जो जन्म जन्मांतर एक का ही संग लेती है। क्या चाहे स्त्री चोले में जन्म ले तो स्त्री चोले में तो सबसे नजदीक संबंध होता है साधन सजनी का, उसी रूप में जन्म लेती है। अगर पुरुष जन्म भी होता है तो सन्यासी बनेगी, किसी और के साथ संग दोष में नहीं आती, इसलिए पवित्रता के संस्कार उसमें रहते हैं।